जब भी हम चीज़ केक बनाते हैं ना, तो हम सबसे पहले फ्रिज में देखते हैं कि क्या हमारे घर पे क्रीम चीज़ है या नहीं। अगर नहीं रहता है तो हम वहीं पे स्टॉप कर देते हैं कि ओ अब तो हम बना नहीं सकते हैं चीज़ केक। आज हम बनाएंगे मैंगो चीज़ केक जो सभी का फेवरेट है। इस केक को बनाने के लिए हमें ना किसी भी प्रकार की क्रीम की जरूरत है, ना ओवन ना माइक्रोवेव, इवन हमें इसमें कोई भी फ्लोर की भी आवश्यकता नहीं है। ये इतना टेस्टी और डिलीशियस बनता है ना कि आप जो नॉर्मल चीज़ केक होता है उसकी जगह पे इसी को बनाना चाहेंगे। और ये बहुत ही लाइट है, बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही कम कैलोरीज है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंगो चीज़ केक हम किस तरह से विदाउट चीज़ के बनाएंगे यह जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा किचन्स मैजिक। मैं हूं पूजा, नमस्ते। तो चलिए देख लेते हैं यह मैंगो चीज केक कैसे बनाया जाता है। पहले हम हंकट बनाएंगे यानी गाढ़ा दही। यहाँ पे मैं किस तरह से हंकट बनाया जाता है इसका प्रोसेस शो कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। आपको हंकट बनाने के लिए दही को हमें कॉटन के क्लॉथ में बांध देना है और उसके ऊपर कोई हैवी सा सामान रख देना है। दही को 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ दीजिए ताकि दही का पूरा पानी निकल जाए, या फिर आप स्ट्रेनर में दही को डाल के 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ देंगे, उस तरह से भी हमारा जो हंकट है बन जाएगा। हंकट हमने बना लिया है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। यहाँ पे हम डाइजेस्टिव बिस्किट लेंगे। आप यहाँ पे कोई भी कुकीज या फिर जो बिस्किट होती है वो ले सकते हैं। इसमें कम से कम 10 से 12 बिस्किट है। ये देखिए कुछ इस तरह का ये डाइजेस्टिव बिस्किट आता है। इसको हमें तोड़ के मिक्सर जार में ऐड करना है। इससे हम केक का जो बेस होता है वो बनाएंगे। ये देखिए हमने सारे बिस्किट को मिक्सर जार में ऐड कर लिया है। अब हम इसका एक फाइन पाउडर बनाएंगे। इसको हमें थोड़ा मोटा ही रखना है, बिल्कुल आटे की तरह बिल्कुल हमें फाइन नहीं करना है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें 1/4 कप बटर ऐड करेंगे। बटर हमारा मेल्ट होना चाहिए, इसे हमें मिक्स कर लेना है। आप मिक्स करने के लिए मिक्सर जार को भी 30 सेकेंड के लिए चला सकते हैं ताकि ये मिक्स हो जाए, या फिर ऐसे आप स्पून से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। ये देखिए बटर हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। केक टिन में हम थोड़ा सा बटर लगाएंगे। इसके ऊपर हम एक पार्चमेंट पेपर रख देंगे और इसके ऊपर भी हमें बटर अप्लाई कर लेना है। इस केक को बनाने के लिए आप कोई भी बाउल या फिर जो बड़ी वाली कटोरी वगैरह होती है वो भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है आप यूज कर सकते हैं। अब हमने जो बिस्किट का मिक्सर बनाया हुआ था वो इसमें ऐड कर देंगे। इसे हमें एवेनली स्प्रेड कर लेना है। इसे हमें स्पून से दबाते हुए इसे फैला लेना है। अब हम एक छोटी सी कटोरी लेंगे, इसे हमें कटोरी के बेस से दबा देना है ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए। हम यहाँ पे मैंगो चीज केक बना रहे हैं तो मैंगो तो हम यूज करेंगे ही। एक मैंगो लेंगे, इसके लिए आप कोशिश कीजिए कि जो मैंगो हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से पका हो, मीठा मैंगो हो। मैंगो को कट करके हमें एक मैंगो का प्यूरी बना लेना है। इसे हम मिक्सर जार में ऐड करेंगे। इसका हमें बिल्कुल स्मूथ और फाइन प्यूरी बनाना है। मैंगो की प्यूरी हमारी रेडी हो चुकी है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। सबसे पहले जो हमने हंकट बनाया हुआ था ये हमने यहाँ पे 2 कप लिया हुआ है। देखते हैं इसका टेक्सचर, ये बिल्कुल क्रीम चीज जैसा ही है, बिल्कुल क्रीमी है। अब हम इसे 30 सेकेंड के लिए ऐसे मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पे स्वीटेड कंडेंस मिल्क लेंगे, ये 300 ml है, यानी पूरा जो टिन है इसमें ऐड कर देंगे हम। कंडेंस मिल्क से इसमें बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आएगा और जो कंडेंस मिल्क की स्वीटनेस होती है ना वो अलग ही होती है। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा क्रीम और शुगर ऐड कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसमें कंडेंस मिल्क ही ऐड कीजिए। इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है।
अब हम इसमें 1 टीस्पून वेनिला एसेंस ऐड करेंगे, 2 टीस्पून हम इसमें कॉर्न स्टार्च ऐड करेंगे, हमने जो मैंगो की प्यूरी बनाई हुई थी वो इसमें ऐड कर देंगे, ये 1/4 कप है, इसे हमें मिक्स कर लेना है। हमें बिल्कुल लंप फ्री बैटर चाहिए, इसमें कोई भी लंप्स नहीं रहने चाहिए। इसे हमें 1 मिनट तक ऐसे ही मिक्स कर लीजिए ताकि इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल क्रीमी हो जाए। आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रीमी हो चुका है। अब हम इसे केक टिन में पोर करेंगे, इसे हम लेबल कर लेंगे। अब हम इसे बेक करेंगे, तो यहाँ पे मैंने बेक करने के लिए स्टीमर का यूज किया है। एक हम पॉट लेंगे, उसमें हम स्टीमर वाला स्टैंड रखेंगे, आप इसके जगह पे कोई भी कटोरी वगैरह रख सकते हैं। अब हम इसे 3 से 4 गिलास पानी ऐड करेंगे। अब हम इसमें केक का बैटर रख देंगे, इसे हमें मीडियम फ्लेम पे 45 से 50 मिनट तक स्टीम कर लेना है। आपको इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पे ही कुक करना है, हाई फ्लेम पे इसे मत कुक कीजिएगा। दही जब स्टीम होती है तो थोड़ा ऊपर आती है, आप देख सकते हैं, आप इसका कलर भी देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। यह 45 मिनट के बाद हमारा जो केक है अच्छी तरह से बेक हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे स्टीमर में से निकाल के साइड में रख देंगे और इसे कम्प्लीटली हम ठंडा कर लेंगे। जब तक हमारा चीज केक जो है ठंडा हो रहा है तब तक हम मैंगो ग्लेज बना लेंगे फॉर डेकोरेशन के लिए। अब हम एक पैन को गैस पे रख देंगे, उसमें हम 1 मैंगो की प्यूरी ऐड करेंगे, इसमें हम 2 बड़े चम्मच पानी ऐड करेंगे, इसे हम मिक्स कर लेंगे और 3 से 4 चम्मच इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। चीनी की मात्रा मैंगो के मिठास पर भी डिपेंड करता है, अगर मैंगो ज़्यादा मीठा है तो कम चीनी डालिए, अगर मैंगो कम मीठा है तो उसमें थोड़ा ज़्यादा चीनी डालिए। इसे हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मीडियम फ्लेम पर बिल्कुल इसके ठीक होने तक कुक कर लेना है। आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी, क्योंकि ये ठंडा होगा तो और ठीक होगा। बस यहाँ पे हमें फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब हम इसे फिल्टर कर लेंगे ताकि जो इसका टेक्सचर हो बिल्कुल शाइनिंग जैसा हो। इसे हम ठंडा कर लेंगे। अब हम इसे मैंगो चीज के ऊपर इसे पोर कर देंगे और चारों तरफ से हमें इवनली स्प्रेड कर लेना है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। मैंगो ग्लेज को पोर करने के बाद हम इसे रेफ्रिजरेटर में 1 आवर के लिए रखेंगे। आप चाहे तो फ्रीजर में 1/2 आवर के लिए भी रख सकते हैं ताकि जो मैंगो ग्लेज हो बिल्कुल सेट हो जाए। आप इसे 3 से 4 घंटे के लिए भी रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। ये देखिए 1 आवर के बाद हमारा जो केक है बिल्कुल सेट हो चुका है। अब हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे, बहुत ही केयरफुली हमें इसे डीमोल्ड करना है। ये देखिए हमारा मैंगो चीज केक बहुत ही यमी और टेम्पटिंग बना है। मेरे चैनल पर मैंगो की और भी रेसिपीज हैं, जैसे मैंगो मूस, मैंगो श्रीखंड, मैंगो पेस्ट्रीज और मैंगो मस्तानी की रेसिपीज हैं। इसके अलावा और भी मैंगो की रेसिपीज हैं, आप उसे जरूर चेकआउट कीजिए। अब हम इसे डेकोरेट करेंगे, तो डेकोरेशन के लिए मैं यहाँ पे 2 मैंगो लूंगी, इसे हमें पील कर लेंगे। बेसिकली हम मैंगो के स्लाइस से रोज फ्लावर बनाएंगे जिसका यूज हम केक को डेकोरेशन में करेंगे। ऐसे में मैंगो को कट कर लेना है, पीछे का पोर्शन हम कट करके निकाल देंगे थोड़ा सा, जितना पतला आप कट कर सकते हो उतना पतला ही कट कीजिए इसे। ऐसे हमें सारे मैंगो के स्लाइस को ऐसे लगा लेना है और रोज फ्लावर के शेप में इसे फोल्ड कर लेना है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे 3 मैंगो के फ्लावर्स बनाए हैं। अब हम इसे केक के ऊपर रख देंगे। लीजिए तैयार है मैंगो चीज केक, जो बहुत ही टेस्टी, डिलीशियस और बहुत ही यम्मी है और बहुत ही हेल्दी है। एक बार आप मेरे कहने से ये जो रेसिपी है ना बना के देखिए, आप इस रेसिपी के फैन हो जाएंगे। मैंगो का सीजन एंड होने से पहले आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इसे लाइक और शेयर भी कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते एक नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।